हाय फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार, एम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एवं शेयर करें, अगर किसी संख्या का लाभ अधिक से अधिक बच्चे उठा सके। अगर किसी संख्या का 16.23%, अगर किसी संख्या का 16.23% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। चलिए यार, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको बिना फार्मूला के बनाएंगे, कोई फार्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ दिख रहा है सबको? जी सर, उनको दिख रहा है यहाँ? जी। तो चलिए देखिए, हमारा फ्रैक्शन में लाएंगे सबसे पहले प्रतिशत को। प्रतिशत कितना है हुआ? 16.23। देखिए 16.23 का कलम बताए भी थे फ्रैक्शन वैल्यू, या आप यहाँ से भी निकाल सकते। देखिए 16 × 48 = 2 = 50, अब बटा 3, वो आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 1/6। तो देखिए 1/6 जो हमारा आया, रियल नंबर, ओरिजिनल नंबर मेरा जो है वो 6 है, वो वृद्धि किया गया, बढ़ा दिया गया वो ऊपर वाला। हर हमेशा पूरा होता है और अंश उसका हिस्सा होता है। तो 6 में कितने की वृद्धि? 1 की। तो 6 में जब 1 की वृद्धि कर दी तो कितना बन गया? 7। और 7 का मान दिया हुआ कितना? 4956। तो देखिए कहता है जब किसी संख्या में इतना प्रतिशत को जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या इतना प्रतिशत इतना हो जाता है। तो जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला तो 1/6, और 1/6 में 6 आपका रियल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, और उसमें वृद्धि कितने की जा रही है? 1। तो 6 में जब 1 की वृद्धि किया तो क्या आ गया? 7। 7 का वैल्यू क्या दिया हुआ? 4956। तो आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर यानी 6 का मान, तो 4956/7 गुणे 6, 7 × 7 = 49, 0 × 7 = 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 42/48। नेक्स्ट, अगर किसी संख्या का 6.23%, अगर किसी संख्या का 6.23% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। प्रतिशत में मान कितना दिया गया है? 6.23% का फ्रैक्शन वैल्यू भी हम कल बताए थे। ऐसे निकालने का तरीका 20/3, आप प्रतिशत के बदले बटा में 100, 1/15। वास्तविक संख्या रियल नंबर, ओरिजिनल नंबर जो कही है वो 15 है, और घटाना है कितना? 1। तो 15 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 14। और 14 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5670 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है वास्तविक संख्या यानी 15 का मान पूछ रहा है। तो 5670 बटा में 14 अगुने 15, ठीक है? तो लिखेंगे 14 × 56 = 0, 14 × 5 = 70, गुना कर देंगे 60/75। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, लिखिएगा। अगर किसी संख्या का 11.19%, अगर किसी संख्या का 11.19% इसी में जोड़ दिया जाए
इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो 900 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें, वास्तविक संख्या ज्ञात करें, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। 11.9% यानी कि कितना? 100/9 प्रतिशत हटाएगा बटा में 100, 1/9। तो रियल नंबर मेरा क्या है बुआ? 9। जोड़ना कितना है? 1। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। और 10 का मान दिया हुआ कितना? 900। 900 का वैल्यू पूछ रहा। 810। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लिखिएगा। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157.7% 157.7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करें 157.7% ये नहीं दिया है प्रतिशत, इसको तोड़िएगा तो कितना है? 1100/7 प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 11/7। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या है? 7 है। 7 में क्या जोड़े जो 11 हो गया? 4 जोड़े। तो 4 जो जोड़े उसका क्वेश्चन में मान कितना दिया हुआ है? 64। 7 में 4 जोड़े तो 11 हो गया, तो 4 का वैल्यू कहता है 64 है, तो आपसे आपको निकालना किसका है? 7 का वैल्यू। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया गया, 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444.4/9 बन जाता है। 444.4/9 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 4000/9, प्रतिशत के बदले 2 0, 40/9। 9 में क्या जोड़ेंगे बुआ? तो 40 होगा, 31। और 31 का वैल्यू दिया हुआ है 930, तो 9 का वैल्यू क्या होगा? 930/31 9 किया 27, 270।